अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया हो ही गया होगा आप लोगों कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, टुडे आई विल बी अनाउंसिंग माय वेरी फर्स्ट गिव अवे ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वैसे तो माशाल्लाह अब से ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर दिया है गेटिंग 1K सब्सक्राइबर्स। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि 1K सब्सक्राइबर्स होने के बाद इंशाल्लाह आई विल बी अनाउंसिंग माय वेरी फर्स्ट गिव अवे एंड हियर आई एम। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के बहुत ही ईजी से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है एंड दैट्स इट। तो भाई, पार्टिसिपेशन का तरीका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस गिव अवे के 2 विनर्स होंगे और लकी ड्रॉ के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। कोई बाइसनेस नहीं होगी, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पता नहीं किसका तोता टैटें करे जा रहा है। उसके अलावा यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच टू माय होल यूट्यूब फैमिली जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। आई गेस आज का इंट्रो बहुत लंबा हो गया है, अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। तो जनाब, यहाँ आई विल बी शोइंग द स्टफ दैट आई विल बी एडिंग टू द गिव अवे। अच्छा जी, सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम एडिंग टू द गिव अवे इज दिस हाइलाइटर मिस्ट रोज का। इट्स इन शेड सिल्वर और इसकी ग्लो चेक करें, इसकी शाइन चेक करें यार, बहुत ही ज़बरदस्त हाइलाइटर है। इसका गोल्ड और मैट गोल्ड आई एम ऑलरेडी यूजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का हाइलाइटर है। तो ये सिल्वर जो है वो मैंने गिव अवे में देने के लिए रखा था। इसके फर्स्ट स्वॉच से ही आइए लगा लें कि ये कितना ग्लोई लगेगा मेकअप पे अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट वी हैव दीज कलरफुल क्यूट से ब्यूटी ब्लेंडर्स या स्पॉन्जेस कह लें, और डिफरेंट शेप्स में है, डिफरेंट कलर्स में है और बहुत ही सॉफ्ट से ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ दिस होम मेड ऑर्गेनिक सोप फ्रॉम द ब्रांड नेचुरीज़ा। अच्छा, इनके सोप्स मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, ये पिया पैकेज मेरे पास आया था, इनके रिव्यूज़ पे मैं अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इन केस अगर आप किसी प्रोडक्ट में इनके इंटरेस्टेड हों तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये बहुत ही क्यूट से ज़बरदस्त से आर्टिफिशियल नेल्स हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये नॉर्मल चीप प्लास्टिक वाले नेल्स बिल्कुल भी नहीं है। साथ में मैंने एक छोटू सा ब्रश रखा हुआ है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है, सॉफ्ट से ब्रिसल्स हैं इसके और स्मजिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अब जी आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये छोटू सा क्यूट सा आई पैलेट है जो मैंने गिव अवे में ऐड किया है, और इसके कलर्स चेक करें यार, ये चेक करें, इतने ज़बरदस्त कलर्स हैं और बहुत ही पिगमेंटेड सा पैलेट है, ट्रेवल फ्रेंडली है। इसके 2 वेरिएंट्स ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये वाला जो है वो मैंने गिव अवे में ऐड कर दिया। अच्छा जी जनाब, आप लोगों की नज़र इस कैंडल पे तो पड़ी होगी, और ये कैंडल मैंने अपने वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा। ये कैंडल बेसिकली मैंने गिव अवे में ऐड करने के लिए रखा है। ये जो है लेवेंडर है इसकी स्मेल, और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये भी मैंने दराज से मंगवाई है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, और बहुत ही रीज़नेबल कैंडल्स हैं। मैंने अपने यूज़ के लिए भी मंगवाई है और गिव अवे में देने के लिए भी मैंने एक रख ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज़ आई शेडो प्राइमर, और ये प्रोफ्यूजन ब्रांड का है, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइमर है। आप लोग मेकअप यूज़ करते हैं, मेकअप करते हैं तो आप लोगों को पता होगा आई मेकअप की बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये उस लिए काम आता है। क्योंकि गिव अवे में सॉर्टेड स्टफ़ रखने थे तो मैंने सोचा वाई नॉट एन एटमाइज़र। तो ये एटमाइज़र बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नॉर्मली मैं अपने परफ्यूम्स के लिए एटमाइज़र्स ही रखती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहते हैं, बैग छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो आराम से फिट हो जाते हैं। इसकी फिलिंग भी बहुत ही ईजी है, ऊपर इसका स्प्रे है, नीचे इसका फिलर लगा हुआ है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना भर गया है या कितना रहता है। तो जनाब, अब आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट की तरफ। एक्साइटमेंट बढ़ानी थी तो मैंने सबसे बड़ा प्रोडक्ट सबसे एंड में रखा, बिकॉज आप लोगों को दिखाने के लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
और जनाब ये चेक करें आप, जस्ट चेक द कलर्स आउट. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स एंड आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस पैलेट. इसके जस्ट शेड्स चेक करें. आई गेस द कैमरा इज नॉट जस्टिफाइंग द कलर्स, लेकिन इसके शेड्स बहुत ही खूबसूरत हैं. इसमें न्यूट कलर, पिंक कलर्स हैं और इसके शेड्स बहुत पिगमेंटेड हैं. यू कैन यूज़ दिस पैलेट, यू कैन यूज़ द शेड्स बेसिकली एज आई शेडो, लेकिन उसके अलावा इनके शेड्स जो हैं आप ब्लशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ब्लशन के कलर्स भी मौजूद हैं. अच्छा जी, कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज हाउ टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे. उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और जो स्टेप्स हैं यू नीड टू फॉलो दोस स्टेप्स एंड दैट्स इट. दिस गिव अवे इज ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर्स, माई यूट्यूब फैमिली. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यट, डू सब्सक्राइब टू इट, डू शेयर एज मच एज यू कैन. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज.